देखिए चिकन का सुक्का बनाऊंगी। आपको जो भी चाहिए जवाब ना ऐसे मत करो, तुम्हें तो पता ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए। क्या चाहिए यार, क्यों तुम अपने बेटे से टीम करो यार, मैं नहीं कर सकती। तो ये इतना प्यारा लग रहा है ना इसका कलर चिकन का। लेकिन आपके फ्रेंड्स के साथ बैठकर डूडल जाने वाली अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। इफ्रा खान ब्लॉग्स में आप सबका वेलकम करती हूँ। तो ये देखिए मीचू मेरे पास आ गई है, ये मीचैन है इसका नाम, लेकिन मैं इसको प्यार से मीचू बोलती हूँ। और ये मेरे से मांग रही है टूना जेली, विस्कस का जो टूना जेली आता है उसको डेली चाहिए रहता। अभी मेरे पास ख़त्म हो गई है कल, तो अभी लाने वाले घर पर कोई है नहीं, लेकिन मेरे पास आके ये मांग रही है। मिचैन मिचैन क्या चाहिए बेटे देखो, मिचू ए मिचू क्या चाहिए बेटे। और जब भी इसको चाहिए रहेगा ना, हम लोग पूछेंगे ना क्या चाहिए, तो फ्रिज की तरफ बताती है, क्योंकि मैं टूना जेली को ना फ्रिज में रखती हूँ इसलिए। और देखिए गाइस, आज मेरा फिर से कपड़े धोने का दिन था, तो मैंने यहाँ पर कपड़े पूरे सरफ से इसको अच्छे से घुमा कर रखी हूँ। हमारे पास पानी की बहुत तकलीफ़ है, इसके लिए मैं क्या करती हूँ, पहले सरफ से पूरा भिगा कर मतलब धो कर मशीन में पूरा फिरा कर एकदम निचड़ कर यहाँ रखती हूँ सूखा। फिर जब साफ़ पानी ले लेके थोड़ा थोड़ा पानी से निचड़ कर फिर मैं उसको अच्छे से एकदम साफ मशीन में सुखा लेकर फिर उसको हैंगर में लगा कर ऊपर कोड़माले पर रख देती हूँ। सब घर मेरा बिखरा हुआ है, बिस्तर भी सोकर उठकर इसी तरीके से भी रखा हुआ है, अभी इसको भी टेबल में रखूँगी। और यहाँ का सब मैं सामान मशीन को ऊपर रखती हूँ, कपड़े धोने के बाद ये सब सामान मशीन के ऊपर जाएगा, क्योंकि घर बहुत छोटा है मेरा, तो सामान बहुत है इसके लिए ऐसा रखना पड़ता है कपड़े धोने तक। तो देखिए यहाँ पर है ना पाइप मशीन में इस तरीके से ऐसा लगा कर मैं उधर पे बाथरूम में डालती हूँ, तो ताकि पानी एकदम से मुझे फेंकना ना पड़े, डायरेक्ट पानी बाथरूम से जाए। और यहाँ पर देखिए ये फहद के है ना गैरेज के कपड़े हैं ये वाले, ये सब इसको लास्ट में धोऊंगी। और देखिए सामान कितना बिखरा हुआ है ना, अभी सब बाद में सेटिंग करूँगी, जैसे पहले पूरा कपड़ा धुल कर हो जाए तभी। और यहाँ पर देखिए नीचे ने अभी जगह बदल दी है, इफ्रा वहाँ की लाइट चालू कर, ये देखिए पहले वहाँ पर कोने में मैंने एक साइड में जगह बना कर दी थी, तो वो जगह अभी उसको बस हो गए, तो बच्चों को अभी यहाँ लाके बास्केट में डाली है। देखिए मेरी मिचैन की बास्केट है, तो अपने चारों बच्चों को लाकर इसमें डाल दी है, अभी बच्चे सो रहे हैं। गाइस देखिए इफ्रा स्कूल से आ गई है, और इसको आज मैंने टिफ़िन देना भूल गई थी, क्योंकि फहद फजल को मैंने बाद में लेकर जाने के लिए बोली थी, लेकिन लेकर गए नहीं, तो इसको गुस्सा आया हुआ है। मुँह देखिए इसका, इसका फेस देख सकते हैं कितना गुस्से में इसका फेस। हाँ अभी कपड़े चेंज कर रही हैगी, और फिर इसके बाद वो नाश्ता करके जाएगी मदरसा 2 बजे। ये मेरे पीछे पीछे ही है देखिए, ये इसको अभी चाहिए, जब तक उसको विस्कस का टूना जेली मैं दूंगी नहीं, ये मेरे इसी तरीके से पीछे रहेगी। और मैंने इफ्रा के लिए ये देखिए खीमा और पाव यहाँ पर रख दी हूँ ताकि वो खा ले, रात में मैंने ये खीमा बनाई थी, और ये पाओ ये खा लेगी अभी इफ्रा। ये गाइस यहाँ पर फजल अब स्कूल जा रहा है, इसकी 1 बजे की स्कूल है, ये देखिए फजल 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 शर्माता है बहुत, भाग गया बच्चा। तो गाइस देखिए ये मेरे चुन्नू मुन्नू कितना प्यारा सोए, एक के ऊपर एक हाथ डालकर, ये देखिए कितना अच्छा लाइन से सोए, कितने प्यारे लग रहे ये माशाल्लाह। तो देखिए गाइस इफ्रा यूनिफॉर्म पहन ली है, ये मदरसे का यूनिफॉर्म है, इतने दिन से बारिश थी तो बाहर बहुत गंदा रहता है, इसके लिए वो यूनिफॉर्म पहन के नहीं जा रही थी, तो आज से ये यूनिफॉर्म पहन के आने के लिए बोले हैं हाफिज जी जनाब जी, तो इसके लिए ये आज पूरा फुल यूनिफॉर्म पहन के जा रही है। लेकिन स्कार्फ इसका पूरा फुल ब्लैक है, तो वो मिल रहा नहीं है, तो ये वाला स्कार्फ पहन के जा रही है, इंशाल्लाह कल से पूरा फुल यूनिफॉर्म पहन के जाएगी। तो गाइज़ हमारा घर देखिए साफ़ सफाई हो गई है घर की, कपड़े अच्छे से वॉश हो गए, हैंगर में लग गए हैं, सब मैंने हटा दी, यहाँ का जो भी मैंने सामान आपको पहले बताई थी देखिए सब हटा दी हूँ, बस इफ्रा का यहाँ पर स्कूल बैग है। और देखिए मिचैन यहाँ पर अपने बच्चों को आई है दूध पिलाने के लिए,
और मैंने यहाँ पर मशीन के ऊपर जो सामान रखना था वो रख दी हूँ। एक अच्छे से ओढ़नी दुपट्टा यानी कि उड़ा दी हूँ। तो गाइस देखिए, मैंने 4 नाइटी ली हूँ। ये कैसी लग रही है आपको ज़रूर बताइएगा। 4 नाइटी में से आपको सबसे ज़्यादा कौन सी कलर की नाइटी अच्छी लगी और डिज़ाइन उसकी। और गाइस ये देखिए, ये एक नाइटी हो गई। तो कैसी लगी आपको ये नाइटी? और गाइस ये देखिए, ये एक नाइटी हो गई। ये देखिए, और ये एक कलर की है नाइटी। ये देखिए, इसको अभी मैं डबल सिलाई करके थोड़ा फिटिंग में करके और नीचे से थोड़ा कट करना पड़ेगा करके फिर मैं अच्छे से वॉश करके फिर इसको पहनूंगी। तो गाइज अब मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो गाइज देखिए, यहाँ पर मैंने आटा गूंथ ली हूँ और ये देखिए गोल गोल करके रखी हूँ आटा। और यहाँ पर बन रहा है चिकन का सालन। ये देखिए, चिकन का सुक्का बनाऊंगी। आपको जो भी चाहिए जवाब ना, ऐसा मत करो। तुम्हें तो पता ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए। क्या चाहिए कि तुम अपने छोटे से सेटिंग करो। तो ये कितना प्यारा लग रहा है ना इसका कलर चिकन का, और खुशबू तो माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। और रोटी, और यहाँ पर बन गया राइस।